मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। हाइड्रा ने 3 अहम मुकामात पर इन्हदामी कार्रवाई की मुहिम का आगाज किया। गैर क़ानूनी तामीरात को साफ करने की मुसलसिल कोशिशों में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हैदराबाद और उसके आसपास के अजला में मुसम्मारी का एक सिलसिला शुरू किया है। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मादापुर, दुंडीगल और अमीनपुर में फुल टैंक लेवल FTL और तालाबों के बफर जोन में तजावीज़ात को निशाना बनाया गया है। माधापुर में हाइड्रा के अहलकारों ने सनम चेरुवू के FTL के अंदर तामीर किए गए बड़े शेड्स और इमारतों को मुसम्मार करना शुरू कर दिया, जो 26 एकड़ पर मुहित है। सर्वे नंबर 12, 13, 14 और 16 में तजावीज़ात को जहाँ स्क्वाटर्स ने कारोबार कायम कर रखे थे, मुकामी हुकाम के ताउन से ख़त्म कर दिए गए। ये इन्हदाम सख्त सिक्योरिटी और म्यूनिसिपल और रेवेन्यू अहलकारों की मौजूदगी के दरमियान अमल में आया। दुंडीगल में हाइड्रा ने मालमपेट की कटवा लेक पर जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए गए गैर क़ानूनी विलास के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। इतवार की सुबह लक्ष्मी श्रीनिवासा कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले एक विला में एक बड़ा इन्हदाम अमल में लाया गया, जिसमें नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए एक अहम पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इन्हदाम रेवेन्यू और म्यूनिसिपल हुकाम के ताउन से किए गए। ये कार्रवाइयाँ मुकामी बाशिंदों और माहौलियाती कारकुनों की शिकायत के एक सिलसिले के बाद होती है, जिससे हाइड्रा को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का इशारा मिलता है। మేము కోర్టులో వేసాం, మరి కోర్టు ఎందుకుందండి? మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి కోర్టుకి? ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని కోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళాము? ఏం బాబు, నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని మా కడుపులు కొట్టడానికి నువ్వు వచ్చావు? ఆ మహాబాడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, 28 రోజులు 30 రోజులు నిరాహార చేసేసి తెలంగాణ తెచ్చాడు. నువ్వేం తెచ్చావయ్యా? మా లాటోళ్ళు కడుపు కొట్టి ఇళ్ళను కొట్టడానికి వచ్చావు, ఏదైనా మంచి పని చేసి చెబా. పరిధిలో ఉందని కొడుతున్నారు. ఉంది, ఉంటేనే కొడతారు, లేకపోతే అంత అయ్యి.